hello everyone i welcome you to enhance your vocab part 3 in continuous to my previous videos today i'll be explaining five words in such a way that you will never forget try to use these words in your daily life try to create short stories try to create short sentences where you can fit these words so that these words will be printed in your memory forever so let's start with first word so first word is ambush it's noun and verb and the meaning of ambush is ए सरप्राइज अटैक फ्रॉम ए कंसील्ड पोजिशन हिंदी में अगर देखें तो घात लगाना कंसील हेर यू सी कंसील मतलब छुप कर लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस न्यूज़ पेपर कटिंग यहाँ न्यूज पेपर में भी ये वर्ड यूज किया गया है सी ही फाइव पुलिस मैन किल्ड इन छत्तीसगढ़ एम्बुश मीन्स नक्सल्स एम्बुश पुलिस मैन मतलब कि नक्सल ने पुलिस मैन वालों पर छुप कर अटैक किया एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइव पुलिस मैन गॉड किल्ड

लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस वीडियो ये है लड़का प्रदीप जो कि बातें कर रहा था अपने फ्रेंड से बट सडनली उसके दुश्मन आए एंड दे एम्बुश्ड हिम सो ऐसे करके वो उसे कार में डालकर ले गए नाउ लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिक टू रिमेंबर हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड सो हियर इज ट्रिक एम्बुश के पीछे छुपकर अमित पर अटैक करने के लिए तैयार थी लेकिन अमित वहां पर नहीं आया हमारा वर्ड क्या है हमारा वर्ड है एम्बुश ambush, एम्बुश ambush. के पीछे छुप कर एम्बुश का मतलब क्या होता है छुप कर अटैक करना छुप कर वार करना और यहाँ पे इसका वर्ड का मीनिंग भी समझते है इस वीडियो के थ्रू ये एक लड़की है एमी एंड शी इज हाइडिंग बिहाइंड बुशेज सो देट शी कैन एम्बुश ऑन हिज एनिमी या अमित पर वार कर सके छुप कर बट वहां अमित आया ही नहीं जॉर्ज बुश का नाम तो आप सबने सुना ही होगा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये आज का जो हमारा वर्ड है एम्बुश उससे भी मिलता जुलता है जॉर्ज बुश एम्बुश तो इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था आई होप आप सबको याद होगा कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने छुप कर उन पर जूता फेंका था मीन समवन एम्बुश्ड जॉर्ज बुश तो और फिर वो वहाँ से वो जूता फेंक के भाग भी गए थे जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने जॉर्ज बुश ने

मीन्स कि एक अजाइल टीम लीडर की जरूरत है ऐसा लीडर जो बहुत क्विक डिसीजन ले सके जो बहुत ही फुर्तीला हो अंडरस्टोर सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस वीडियो ऑल्सो सी दिस वीडियो सी टू बॉयज आर फाइटिंग हेयर एंड वन बॉय इज वेरी एजाइल सी हीज मूवमेंट्स वो बहुत ज़्यादा एजाइल है नी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड एजाइल सो सी हेयर चैरी इज़ मोर अजाइल चैरी इज़ मोर अजाइल देन अदर किड्स शी इज एज अजाइल एज मंकी चैरी अन्य बच्चों की तुलना में अधिक फुर्तीली है वह एक बंदर की तरह फुर्तीली है बंदर भी बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ कब छलांग लग जाते हैं लगा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता बहुत ही फुर्ती से छलांग लगाते हैं वो तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाई दिस वीडियो सो एक लड़की है चेरी सी हर मूवमेंट्स इसके मूवमेंट्स इतने फास्ट इतने क्विक हैं जितने की बाकी बच्चों के नहीं हैं नाउ लेट्स सी ट्रिक टू रिमेंबर दिस वर्ड एजाइल हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड एजाइल इट्स वेरी इजी बाई दिस सेंटेंस आज अजय आइल सीट पर बैठने से बस के रुकते ही फुर्ती से नीचे उतर गया आज अजय आज अजय आइल सीट हमारा वर्ड क्या है हमारा वर्ड है अजाइल अजाइल तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा वर्ड अजाइल सीट पर बैठने से बस रुकते ही फुर्ती से नीचे उतर गया और अजाइल का मीनिंग क्या होता है अजाइल का मीनिंग होता है फुर्ती अब इसको हम एक वीडियो के थ्रू समझते हैं यहाँ पे एक बस जा रही है जिसमें अजय बैठा है और वो आइल सीट पे बैठा है और जो आइल सीट पे बैठा होता है ऑब्वियस है कि वो जल्दी उतरेगा पहले उतरेगा कंपेयर टू विंडो सीट The window seat. Now let's see synonyms and antonyms of agile. First, we'll see the synonyms. Synonyms are nimble, sharp, acute, acrobatic, supple, loose perceptive, and on the ball, piercing. Now we'll see the antonyms. Here are antonyms clumsy, stiff, slow, dull. Now let's see next word, and that is inoculate. It's a verb and meaning of inoculate is treat with vaccine. Here you see ट्रीट विथ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज वैक्सीनेट और वैक्सीनेट मतलब टीका लगाना अगर हम इसे हिंदी में देखें तो अब इसे हम समझते हैं देखिए ये है एक न्यूज़पेपर की कटिंग जहाँ पर वर्ड यूज किया गया है इनोक्युलेट इनाक्यूलेट सी हीयर एज केसेज राइज गवर्नमेंट गिव्स नॉट टू इनाक्युलेट ऑल ओवर फोर्टी फाइव फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट मतलब जो लोग चालीस से ऊपर हैं उन सबको इनाक्यूलेट किया जाएगा वैक्सीनेट किया जाएगा बिकॉज कोरोना वायरस के केसेज जो हैं बहुत ज़्यादा हाइक पर है नाव लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस वीडियो सी दिस बॉय ही इज इनक्युलेटेड अगेंस्ट कोरोना वायरस ट्रीट विद वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज वैक्सीनेट जो कि इसका मतलब होता है इनैक्युलेट का मतलब होता है तो यहाँ पर यह लड़का है जो कि वैक्सीनेट करवा रहा है अगेंस्ट कोरोना वायरस नाव लेट्स ऑफ दिस वर्ड इनैक्युलेट एंड यूसेज इज प्रिया डिंट इनाक्युलेट हर सेल्फ अगेंस्ट कोरोना वायरस बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शन प्रिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ खुद को टीका नहीं लगवाया क्योंकि वह इंजेक्शन से डरती थी हेयर प्रिया इनाक्युलेट डिंट इनाक्युलेट वाई बिकॉज शी इज केयर्ड ऑफ इंजेक्शन प्रिया ने इंजेक्शन या इनाक्युलेट नहीं करवाया बिकॉज शी इज केयर्ड ऑफ इंजेक्शन सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस वीडियो शी इज़ प्रिया यह है प्रिया जिसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है दैट्स शी मैं आज क्योंकि मैं कोरोना का वैक्सीनेशन लगाने के लिए गया था आई नो हमारा वर्ड क्या है हमारा वर्ड है इनऑक्युलेट इनऑक्युलेट आई नो क्यों लेट हूँ यहाँ से आपका वर्ड भी आ रहा है इनोक्यूलेट और इसका मीनिंग क्या होता है वैक्सीनेशन टीका लगवाना आई नो क्यों लेट हूँ मैं आज क्योंकि मैं कोरोना का वैक्सीनेशन लगवाने गया था वैक्सीनेशन इज द मीनिंग ऑफ इनक्यूरेट तो यहाँ पे आपका वर्ड भी आ रहा है और मीनिंग भी आ रहा है जिसे आप इजीली याद रख सकते हो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय अ वीडियो सी हियर ये बार बार बंदा घड़ी देख रहा है अपनी और कह रहा है कि आई नो क्यों लेट हूँ मैं आज क्योंकि मैं आज कोरोना वायरस के अगेंस्ट

ब्रेक ऑफ ए मीटिंग लीगल केस फॉर रिज्यूमिंग इट लेट पुट ऑफ और पोस्टपोन्ड किसी भी चीज़ को स्थगित करना या आगे बढ़ा देना आगे की डेट्स वगैरह देते हैं ना लॉयर्स कि ये इसकी हियरिंग आज नहीं होगी कल होगी सो व्हाट दे आर डूइंग दे आर एडर्निंग द मीटिंग्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय आर न्यूज़ पेपर कटिंग एंड इट विल बी मोर क्लियर टू यू सी हियर दिस इज द न्यूज़ पेपर हियर यू सी सनी लियॉन केस केरला हाईकोर्ट एजर्नस हियरिंग सनी लियोन का जो केस था वो स्थगित कर दिया गया है कुछ समय के लिए और अगर उसी के नीचे हम देखें तो सी हीयर दैरला हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे एजन टू मार्च फर्स्ट द हियरिंग ऑन मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च तक सनी लियोन के केस को पोस्टपोन कर दिया गया है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस वीडियो ये है सनी लियोन का केस जहां पे चल रहा था और जो वहां का जो हाई um, कोर्ट है उन्होंने सनी लियोन केस को पोस्टपोन कर दिया है फॉर मार्च थर्टी फर्स्ट नाउ लेट सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड यू यूसी प्रकाश लॉयर रिक्वेस्टेड जज नॉट टू अजर्न, नॉट टू अजर्न द कोर्ट दिस टाइम बट शी डिन लिसन टू हिम प्रकाश के वकील ने न्यायाधीश से कहा इस बार अदालत को स्थगित न करें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की बट स्टिल उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस वीडियो ये प्रकाश है एंड ही इज रिक्वेस्टिंग टू जज कि प्लीज दिस टाइम डोंट एडजर्न हिज हियरिंग बट शी इज नॉट लिसनिंग नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ट्रिक टू रिमेंबर हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड एंड वी कैन ईजिली रिमेंबर दिस वर्ड बाय दिस सेंटेंस सो सी हियर अर्जुन को जून में अर्जुन को जून में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण इंग्लैंड की जर्नी पोस्टपोन करनी पड़ी हमारा वर्ड है अजोन अजोन अर्जुन से भी आप ले सकते हो और इसमें जून भी आ रहा है तो अजोन वर्ड है हमारा अजोन और जिसका मीनिंग होता है पोस्टपोन करना तो यहाँ पे देखिए आप ये पोस्टपोन तो यहाँ पे वर्ड भी आ गया और मीनिंग भी आ गया अर्जुन को जून में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण इंग्लैंड की जर्नी पोस्टपोन करनी पड़ी अब अगर जर्नी वर्ड से आप रूबरू होते हैं तो वो अजन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ इससे रिलेटेड कोई वर्ड था आप ऐसे भी वर्ड्स को याद रख सकते हो लेट्स अंडरस्टैंड दिस दिस बाय वीडियो ये है लड़का अर्जुन जिसे अपनी जर्नी पोस्टपोन करनी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन नाउ लेट्स मूव टू एंड सिनोनिम्स आर सस्पेंड ब्रेक ऑफ इंटरप्ट रिस्पाइट रिटायर डिले पुट ऑफ ना विल सी दी द एंटेनिम्स आर एक्सपीडाइट डिस्पैच अर्ज हैसन कंक्लूड कम्प्लीट सील एंड टर्मिनेट नाउ लेट्स मूव टू दैक्स्ट वर्ड दैट इज एवरी वेट एवरी वेट इट्स अ वर्ब एंड मीनिंग ऑफ एवरी वेड इज शॉर्ट एंड समिंग शॉर्ट एंड समिंग शर्ट एंड समिंग शर्ट एंड द ड्यूरेशन ऑफ सम थिंग और कट शॉर्ट हिंदी में अगर हम देखें तो कम करना छोटा करना अब इसको हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू गर्ल एंड शी इज ट्राइंग टू शॉर्ट एंड हर स्पीच शी इज ट्राइंग टू एब्रीवेट हर स्पीच अर्लियर हर स्पीच वॉज सो लॉन्ग उसकी स्पीच बहुत ज्यादा लंबी थी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उससे कहा कि अपनी स्पीच को थोड़ा छोटा करो शोर शी इज ट्राइंग टू एब्रीविएट हर स्पीच लेट्स मूव टू दूसेज ऑफ दिस वर्ड रमेश डिसाइडेड टू एब्रीवेट हिज स्टे इन बेंगलोर रमेश ने बेंगलोर में अपने प्रवास को संक्षिप्त करने का निर्णय लिया तो इसको हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू ये है लड़का रमेश और यह कर रहा है पैकिंग बिकॉज ही डिसाइडेड दैट ही विल एब्रीविएट हिज स्टे इन बैंगलोर बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी और बिकॉज ऑफ सम एमरजेंसी तो ये बिल्कुल पैकिंग करके वापस जा रहा है नाउ ट्रिक टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड सो लेट्स ये है वर्ड हमारा वर्ड है एब्रीविएट अब रिया ने वेट कम कर लिया जिसकी वजह से उसे अब जींस फिट आती है हमारा वर्ड क्या है हमारा वर्ड है एब्रीवेट एब्रीवेट अब रिया वेट, अब ये हो गया हमारा वर्ड एब्रीवेट कम करना और एब्रीवेट का मीनिंग क्या होता है कम करना किसी भी चीज को छोटा करना तो यहाँ पे हमारा वर्ड भी आ रहा है उसका मीनिंग भी आ रहा है अब रिया ने वेट कम कर लिया जिसके कारण उसकी वजह से उसको जीन्स फिट आती है अब इसको हम एक वीडियो से समझते हैं तो देखिए ये है लड़की रिया जिसने अपना वेट कम किया है और अब उसकी वजह से उसको जो है जीन्स पुरानी जीन्स फिट आती है सी हाउ हैप्पी शी इज क्योंकि उसका वेट कम हो गया है और वेट और एवरी सी बोथ हार मिलते जुलते हैं थोड़े तो आप जब भी ये वर्ड देखते हैं वेट तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ इससे मिलता जुलता एक वर्ड था

Comment box. Thank you so much for watching this video. And if you want to enhance your vocabulary with such good words, then don't forget to subscribe this channel and press the bell icon for further notification. Take care.